नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया। स्किन टाइप जो भी हो, फेस पर एक्नी आना एक रेगुलर और नॉर्मल बात है। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर पोस्ट एक्नी मार्क भी नजर ना आए, स्किन टोन भी इवन रहे ताकि स्किन सॉफ्ट, सटल, रेडिएंट और ग्लोई नजर आए, तो इसके लिए सिंपली एक ड्राई ग्लास जार लें। 1 टीस्पून कस्तूरी हल्दी, 2 टीस्पून कॉफी, 2 टीस्पून बेसन या मसूर दाल का आटा और 2 टीस्पून राइस फ्लावर यानी चावल का आटा लें। अच्छी तरह से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और एयर टाइट करके वैनिटी पर रख लें। दिन में जब भी आपको फेस वॉश करना हो, चेहरे पर पानी डालें। ड्राई फेस वॉश की थोड़ी सी क्वांटिटी हथेली पर रखें, थोड़ा सा पानी शामिल करें, पेस्ट बनाएं और फेस और नेक पर ये फेस वॉश अप्लाई करके 1 से 2 मिनट के लिए रहने दें। इसके बाद 10 से 12 सेकंड के लिए हल्के हाथ से मसाज करें और चेहरे और नेक को पानी से वॉश कर लें। जब चेहरा हल्का नम हो तो अपना पसंदीदा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, डे टाइम है तो सनस्क्रीन अप्लाई करें और खूबसूरत एक्नी मार्क फ्री नेचुरल इवन स्किन टोन को एक्सपीरियंस करें। इस फेस वॉश को आप डेली 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी के साथ साथ आप अपनी रेगुलर स्किन के रूटीन में डबल क्लेंजिंग को भी शामिल करें ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट, क्लियर, नीट, ग्लोई और रेडिएंट नजर आए। सो ये तो थी आज की सिंपल एंड जबरदस्त रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।